94.3 माय एफएम पर गोलमाल गगन और आरजे जस्सी को आप सुन रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है वो शख्स जिसके बारे में पूरा देश बातें कर रहा है गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा बिल्कुल जिस दी सोच कोशिश दे विच बदली और सोच की सी की कि मैं अपना वेट लूज करना है इससे करके वो स्पोर्ट्स दे विच आए जेवलिन थ्रो उन्होंने अपना स्पोर्ट्स चुने अपनी गेम चुनी और कहने कि सोच कोशिश दे विच बदली कोशिश फिर आदत दे विच बदली और आदत फिर जुनून बनया और उससे जुनून ने इतिहास रचिया बिल्कुल वही जुनून गोल्ड में बदला तो हमारे साथ है नीरज भाई नीरज वेलकम टू नाइन्टी फोर पॉइंट थ्री माई एफ एम और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि पूरा देश चर्चा कर रहा है नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा की और वाकई हमें बहुत गर्व हो रहा है यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए कि आपने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है तो नीरज आपको कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के बहुत ही अच्छा लग रहा है पहला मेडल जीतता है इंडियन एंड फील्ड के लिए और वो भी गोल्ड तो एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हुई है और मैं ऐसे तो बयान ही कर सकता पर एक बहुत ही एक बहुत ही प्राउड मोमेंट लग रहा जब नेशनल एंथम बज रहा था अपना और मैं गोल्ड के साथ वहां पे खड़ा था क्या और और नीरज भाई उस वक्त के गवाह आप खुद हैं कि उस टाइम आपके माइंड में क्या क्या सवाल चल रहे थे अगर मैं पूछूं कि दिमाग में उस फाइनल इवेंट के दौरान क्या क्या सवालों से आप गुजरे वो क्या थे फाइनल चल रहा था तो बस दिमाग में एक बात चल रही थी कि और बेस्ट करना है जो जितनी भी थोड़ा लग रही थी कि उससे अच्छा करना है और बिल्कुल बॉडी बिल्कुल सही थी और मैं मुझे लग रहा था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट कर पर दूंगा आज पर वही है थोड़ा टेक्निकली गेम है हमारा टेक्निकली इवेंट है जेवलिन थ्रो तो थोड़ा थोड़ी सी भी अगर कुछ कहीं दिक्कत है तो काफ़ी डिस्टेंस में वो दिक्कत कर देता है पर कोई बात नहीं अगर नेशनल रिकॉर्ड नहीं हुआ और मैं अपना पर्सनल बेस्ट नहीं कर सका लेकिन एक जो ओलंपिक गोल्ड जीता है उसकी तो एक अलग ही बात है और ओलंपिक मुझे जब ही लगा ओलंपिक गोल्ड की जब लास्ट थ्रो लास्ट थ्रो नहीं हुई सभी की क्योंकि जब तक हमें फोकसड रहना बहुत जरूरी है नीरज आपके गोल्ड हासिल करने में आई एम श्योर आपके कोचेस का बहुत हाथ होगा तो आपके कोच क्लॉज ने क्या आपको टिप दी थी फाइनल में बिल्कुल कोच क्लॉज के साथ मैं 2019 से ट्रेनिंग कर रहा हूं और काफी उनका एक इसमें योगदान रहा है मेडल में क्योंकि उनकी उनका जो ट्रेनिंग प्लान है और उनके जो टेक्निक है मुझे बहुत अच्छे सूट होती है कोच हुए उनके साथ मैं 2018 में था तो उनके साथ काफी ज्यादा मैंने स्ट्रेंथ और काफी मतलब ज्यादातर मेन तो स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव की लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल मुझे लगता था कि हाँ उनकी डिफरेंट टेक्निक है जैसा वो बताते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे मुझे थोड़ी सी अलग लगती थी और मैंने वही उनके साथ बात भी की फिर कोच क्लाउज के क्लाउज के साथ मैंने जब शुरू किया तो वो काफी उनकी टेक्निक उनका बताने का तरीका वो मुझे काफी सूट हुआ जी और, और नीरज भाई आपने ओलंपिक्स में ग, गोल्ड पाया है और ये देखो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे जो एम तक पहुंचे क्या इसके बाद भी कोई टारगेट रहेगा क्या होगा नेक्स्ट टारगेट गोल अभी नेक्स्ट गोल तो अभी तो मेन तो अपना मेडल जीता है गोल्ड तो उसको कोशिश करेंगे थोड़ा सेलिब्रेट करूं घर पे भी जाऊं और फिर उसके बाद अगर ट्रेनिंग अच्छे से हुई तो इस इस, इस साल सीजन आगे मैं खेल लूंगा कोई कंपटीशन वरना अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स और अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप पे फोकस करूँ